में हम डिस्कस करेंगे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट का जो पेपर हुआ है कल आपका, उसके आंसर की को डिस्कस करेंगे। तो पेपर आउट करिए और क्वेश्चंस को मैच करिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा वो कमेंट में पिन करिए, और कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं वो भी आप कमेंट में पिन करिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इफ लेबर इज इंक्रीज एंड द कैपिटल इज रिड्यूस दिस विल बी कॉल्ड। तो क्या होगा अगर उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को बढ़ाया जाए तो पूंजी को घटाया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन फैक्टर्स की, सब्स्टिट्यूटिबिलिटी बिटवीन फैक्टर्स की, सी है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स की, स्पेसिफिसिटी ऑफ फैक्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सब्स्टिट्यूटिबिलिटी ऑफ बिटवीन द फैक्टर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द स्टडी ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन ओनली वन फैक्टर इज नोन एज। मतलब केवल एक साधन में परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन का अध्ययन जाना, ये क्या कहलाता है? रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू ए स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, बोथ ए एंड सी। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज फाउंड इन अ लैंड? फिक्स्ड इन सप्लाई, फ्री नेचर ऑफ, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर की, सी है नॉट क्रिएटेड बाई ह्यूमन एफर्ट की, ऑल ऑफ दी अबव। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या है, सारी क्वालिटीज़ हमारी किस में, लैंड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, एन एल शेप्ड आइसोक्रेंट हैज़ एन एलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, शून्य के बराबर होता है कि इन्फेनाइट होता है कि मोर होता है वन से कि इक्वल होता है वन के। तो देखिए फोर्थ का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर, कि यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, आइसोक्रेंट इज सिमिलर टू अ मीन्स, सम उत्पाद वक्र किसके समान होता है? डिमांड कर्व के, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के, इनडिफरेंस कर्व के, कि सप्लाई कर्व के? तो पांचवें का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर सी, इनडिफरेंस कर्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हेन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट पर, तो ऐसे केस में क्या होगा? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होगा, कि मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, कि सी है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होगा, कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज होगा? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, द मेन रीजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जो मेन रीजन दिया गया है किसके लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के लिए, वो क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडेंट होते हैं, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हो इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो है मोर प्रोडक्टिव होते हैं अदर से, कि ऑल ऑफ द अबव। तो सेवन का आंसर हो जाएगा, इसमें सारे के सारे रीजंस होते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, व्हेन ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स आर इंक्रीजिंग बाय अ गिवन प्रोपोर्शन, जब सारे प्रोडक्शन इनपुट्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं एट अ गिवन प्रोपोर्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, कि बी है रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, कि सी इंक्रीजिंग टू रिटर्न्स, की डी है वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो एट्थ का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कौन जिसे हम इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं कहते हैं? टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, टैक्स इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, इकोनॉमिक्स ऑफ कंसंट्रेशन, इसे हम इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर अवेलेबल टू स्मॉल फॉर्म्स इन इंडस्ट्री, लार्ज फॉर्म्स इन इंडस्ट्री, की डोमिनेटिंग फॉर्म्स इन इंडस्ट्री, की ऑल फॉर्म्स इन इंडस्ट्री। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहाँ अवेलेबल होते हैं? तो दसवें का आंसर हो जाएगा, दैट इज ये, ए लार्ज फॉर्म्स इन एन इंडस्ट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, व्हाइल ड्राइंग एन आइसोक्रेंट वी जनरली टेक लैंड एंड लेबर, लैंड एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल के, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो 11th का सी हो जाएगा, किसको लेंगे हम? लेबर और कैपिटल को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रोडक्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है प्रोडक्शन फंक्शन? क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू फ्रॉम आउटपुट। नेक्स्ट है सी ऑप्शन की, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स एंड प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट की, डी है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स एंड आउटपुट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्शन फंक्शन ये रिलेशनशिप दिखाता है, जितने भी क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के बीच में ये रिलेशनशिप शो करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, रियल कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसका डिफरेंस है किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थिर लागत के फिक्स्ड कॉस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट, क्या पूछा है, कौन सा इसमें से जो परिवर्तनशील लागत नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल, वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। तो 14 का आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ये जो हो जाएगा एक वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, इसलिए 14 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरी, रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस, की सी है इंश्योरेंस प्रीमियम, की डी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सप्लाइड बाई एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। तो इसमें से कौन सा एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, तो 15 का आंसर हो जाएगा दैट इज यू डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सप्लाइड किया गया एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जब एवरेज कॉस्ट जो है इंक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है कि उसके बराबर होता है कि उससे कम होता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका कि वो एवरेज कॉस्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, जब मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो, तो ऐसे केस में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट लीस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट हाईएस्ट होता है, कि एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के, कि बोथ ए एंड सी। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ऐसे केस में क्या हो, एवरेज कॉस्ट लीस्ट हो जाएगा और एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द लॉन्ग पीरियड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होते हैं, कि वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होता है और अदर फिक्स्ड होते हैं, कि डी ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए, कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इसलिए 18 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, कि टोटल कॉस्ट जो होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, गलत है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 19 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, आईसो कॉस्ट लाइन क्या इंडिकेट करता है प्राइस ऑफ आउटपुट, इनपुट, फिनिश्ड गुड्स की रॉ मटेरियल, तो आईसो कॉस्ट लाइन इंडिकेट करता है प्राइस का क्या, ये शो करता है आपके इनपुट्स को शो करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक प्रॉपर्टी नहीं होती है आईसो केंट की, नहीं पूछा है, दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, दे कैन टच आइदर एक्सिस, दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, की हायर आईसो केंट शोज हायर आउटपुट, तो इसमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी जो है आइसोक्रेंट के प्रॉपर्टी नहीं है, तो 21 में इसमें कौन सा नहीं है, कि ये एक दूसरे को दे कैन टच आइदर एक्सिस, ये दोनों अक्ष को स्पर्श कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश यूटिलिटी इज जीरो एट द पॉइंट ऑफ सेफ्टी, सॉरी पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, मार्जिनल, एवरेज, टोटल की ऑल ऑफ देम, तो 22 का आंसर हो जाएगा दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है एट द पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, मार्शल की जो डिफिनेशन दी गई इकोनॉमिक्स की वो डैश ओरिएंटेड है, वेल्थ है ओरिएंटेड की वेलफेयर, स्क्रैटिसिटी की ग्रोथ, तो 23 का आंसर हो जाएगा वो क्या है, वेलफेयर ओरिएंटेड, तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, कि इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ये जो डिफिनेशन दी गई है किसके द्वारा दी गई है, पीगू के द्वारा, कैनन के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा, किनमें से कोई नहीं, तो ये जो डिफिनेशन दी गई कि इकोनॉमिक्स जो होता है एक साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, तो ये दिया गया रॉबिन्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, कि मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ जो इकोनॉमिक्स है वो आर डैश ओरिएंटेड, वेल्थ ओरिएंटेड, स्क्रैटिसिटी ओरिएंटेड, वेलफेयर की ग्रोथ ओरिएंटेड, तो 25 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डी, दिस इज द ग्रोथ ओरिएंटेड, और दिया गया किसके द्वारा, सैमुएलसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, अगर डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी रिमेन्स अनचेंज डिस्पाइट डिक्रीज इन इट्स प्राइस, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा 26 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो, मैक्सिमम, मिनिमम की इनडिटर्मिनेबल, तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ एनी गिवन कॉमोडिटी फॉर अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज इंडिफरेंस कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व की एवरेज यूटिलिटी कर्व। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होती है किसी भी गिवन कॉमोडिटी की वो क्या होती है, तो 28 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, डिमांड इज इंपैक्टेड बाय ए चेंज इन इनकम पॉपुलेशन प्राइस की ऑफ द अबव। तो डिमांड इज इंपैक्टेड बाय ए चेंज इन किस में हो जाएगा, तो 29 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डी सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किस वजह से होते हैं चेंज में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट की इनकम की ऑल ऑफ द अबव। तो 30 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए ऑप्शन हो जाएगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी वस्तु की कीमत में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिसिस मार्जिन यूटिलिटी किससे रिलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन से, कंजप्शन से, एक्सचेंज से कि प्रोडक्शन से। लॉ ऑफ जो डिमिनिसिस मार्जिन यूटिलिटी है ये रिलेट करता है आपका दैट इज रिलेट टू द कंजप्शन ऑप्शन नंबर बी उपभोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, जनरली जो डिमांड कर्व होता है कॉमोडिटी का वो पैरेलल होता है वाई एक्सिस से, कि एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है, कि वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है कि राइजिंग अपवर्ड। तो 32 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी, वो स्लोपिंग नीचे की गिरता हुआ, स्लोपिंग डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, अगर एक्स कॉमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाई कॉमोडिटी, देन एक्स और वाई आर डैश कॉमोडिटीज, इन्फीरियर, नॉर्मल, कॉम्प्लीमेंट्री के सब्सटीट्यूट्स। तो अगर इंक्रीज होता है प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्स और वाई ये क्या होंगे आपके, 33 का आंसर हो जाएगा दैट इज इट बी सब्सटीट्यूट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि लॉ ऑफ जो डिमांड किस पे एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, गिफन गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्ट्रिक्शन की ऑल ऑफ द अबव। तो 34 का आंसर हो जाएगा दैट इज लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है एट अ सामान्य वस्तु पे, नॉर्मल नॉर्मल गुड्स पे। नेक्स्ट है 35, व्हेन द डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या जीरो होगा, इनफिनाइट होगा, यूनिटी की लेस देन यूनिटी। तो डिमांड कर्व जो है पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, इन केस ऑफ अ डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यूटिलिटी हो सॉरी यूनिटी होगी, इन्फिनिटी होगी, जीरो की ग्रेटर देन यूनिटी। तो 36 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी ऑप्शन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव होता है इन केस ऑफ किस में, सब्स्टिट्यूट्स में, गिफन गुड्स में, इंडिपेंडेंट गुड्स में कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है निगेटिव किस केस में, इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो की यूनिटी। तो 38 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है जीरो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इंडिपेंडेंट गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है जीरो किस केस में होता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है कि एट द मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, 3, 2, 1 की नन ऑफ दिस। तो 40 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी 1 होता है। तो आई होप यू 40 क्वेश्चंस आपने मैच किए होंगे और कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं आप उसको कमेंट पे पिन करिए, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।